सिरसा नगर पंचायत में पहली बार खिला कमल का फूल। प्रयागराज के मेजा के नगर निकाय के चुनाव में नगर पंचायत सिरसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और नगर पंचायत सिरसा में पहली बार कमल खिला है। भाजपा के प्रत्याशी रहे विपिन कुमार केसरी उर्फ लखन केसरी की शुरू से ही सपा प्रत्याशी पप्पू यादव से सीधी टक्कर रही। इस बार नगर पंचायत सिरसा में बनिया और सोनार गठजोड़ के साथ साथ अन्य जातियों का सहयोग विपिन केसरी को रहा, जिसके बलबूते पर भाजपा ने नगर पंचायत सिरसा में पहली बार कमल खिलाया है। भाजपा प्रत्याशी विपिन केसरी ने सपा प्रत्याशी निवर्तमान चेयरमैन श्याम किशोर सिंह उर्फ पप्पू यादव को 432 वोटों से करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। भाजपा की इस जीत पर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। बता दें कि नगर पंचायत सिरसा में आज तक कभी भी कमल नहीं खिला था। तीसरी बार जीत का दम भर रहे सपा प्रत्याशी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की इस जीत पर पूर्व विधायक नीलम करवरिया ने बधाई देते हुए कहा कि भाजपा की यह जीत नहीं समूचे नगर पंचायत सिरसा की जीत है। इसी तरह नगर पंचायत भारतगंज में निर्दलीय प्रत्याशी फरा बेगम ने भाजपा प्रत्याशी अनीता सोनी को करारी शिकस्त देते हुए 2937 वोटों से जीत दर्ज किया है। भाजपा की जीत पर आप क्या कहेंगे? आप प्रत्याशी थे, पहली बार कमल खिला नगर पंचायत सिरसा में, इस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बार भाजपा ने मुझे जो है उस पर विश्वास करके जो है ये टिकट दिया और सिरसा की जनता के द्वारा प्यार और बड़ों के द्वारा जो है आशीर्वाद मिला, छोटों के द्वारा प्यार मिला और जनता का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण मैं ये कमल खिला चुका हूँ। किस नज़रिए से देखते थे चुनाव को अब तक आप? विकास के नज़रिए से मैं देखता था कि सिरसा में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास का कार्य होगा। केंद्र में मोदी जी, राज्य में योगी जी और सिरसा में लखन। विकास अभी तक नगर पंचायत सिरसा में पहली बार कमल खिला है जी, इस पर आपका क्या कहना है? दो बारों से जो है सपा के प्रत्याशी जो है पप्पू यादव जी जीतते रहे हैं और विगत 10 वर्षों में व्याप्त नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार उनके हारने का प्रमुख कारण हुआ और सिरसा की जनता ने यह विश्वास किया कि नगर पंचायत सिरसा में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो सिरसा नगर पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। धन्यवाद।